तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की जानी मानी कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन कंपनी को एक और बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि विप्रो लिमिटेड का शेयर पिछले 6 महीने में 40% से भी ज्यादा क्रैश हो चुका है। और इसी बीच जेफरीज की तरफ से आज के दिन आईटी स्टॉक्स को लेकर जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें आज के दिन विप्रो लिमिटेड को एक और बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने आईटी कंपनीज के जो टारगेट प्राइस है उन्हें और डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि यहां पर जेफरीज का मानना है कि कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काफी बड़ी गिरावट आपको Q1 के नंबर्स में देखने को मिल सकती है। लगभग 15% से यहां पर जो प्राइसेस है उन्हें कट किए गए हैं, जिसमें अगर टॉप स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले इंफोसिस के टारगेट प्राइस जो जेफरीज की तरफ से पहले 1830 रुपए के दिए गए थे, उसे कट करके 1700 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के भी टारगेट प्राइस को कट कर दिया गया है, 3925 रुपए से टारगेट प्राइस को कट करके 3140 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक के टारगेट प्राइस को भी कट किया गया है, 1360 रुपए से 990 रुपए कर दिया गया है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करें तो 1430 रुपए से टारगेट प्राइस को कट करके 1070 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें विप्रो लिमिटेड की तो विप्रो लिमिटेड के टारगेट प्राइस को कट करके 545 रुपए से 360 रुपए कर दिया गया है। हर एक ब्रोकरेज फर्म्स के अपने टारगेट होते हैं और वो टारगेट किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसकी भी हर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स की तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स हमें प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीसीएस ने भी जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट भले ही अच्छे रहे हों, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट में काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन इशू भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगर आपने विप्रो के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो 20 जुलाई के दिन आप इस शेयर्स के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस को अभी थोड़ा सा आपको अवॉइड करके इस शेयर्स के अंदर चलना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि अडानी ग्रुप की तरफ से निकल कर आ रही है। अडानी ग्रुप्स कंफर्म एंट्री इनटू टेलीकॉम स्पेक्ट्रम रेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक 1 घंटे पहले यह न्यूज निकल कर आई है कि गौतम अडानी भी अब 5G स्पेक्ट्रम के अंदर अपने हाथ को, अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस जो कि हमें 26 जुलाई से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें इंडिया की दिग्गज कंपनियां लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही है, वहीं पर अब अडानी ग्रुप भी इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं इन कंपनियों को काफ़ी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ पर अब हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं 2290 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 5G के स्पेक्ट्रम में जिस शेयर्स को सबसे ऊपर देखा जा रहा है वो उसमें भारतीय एयरटेल का ही नाम निकल कर आ रहा है, तो भारतीय एयरटेल के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो 640 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए लगभग 800 रुपए तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। बात लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज के दिन हमें ट्राइडेंट के अंदर कोई बड़ी तेजी तो देखने को नहीं मिली, यानी कि फ्राइडे के दिन तो कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन कल का दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कल के दिन हमें ट्राइडेंट के Q1 के नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी अपने जून मंथ के प्रोडक्शंस के नंबर रिलीज करेगी, साथ ही साथ इसी के साथ में हमें जो कंप्लीट पूरे Q1 है उसके प्रोडक्शंस के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है मार्केट में, साथ ही साथ कंपनी की Q1-on-Q1 बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस प्रकार की ग्रोथ है, सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यदि आपने ट्राइडिंग के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो कल के दिन इस शेयर्स के ऊपर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। जैसे ही नंबर्स निकल कर आ जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ट्राइडेंट के अंदर वॉल्यूम बेस काम में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन डिलरेबल बेस काम में यहां पर किसी प्रकार की गिरावट नहीं है। ट्राइडेंट के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें 68% क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि अभी भी शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बेस काम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 35 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपनी पोजिशन को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। KPIT के अंदर भी
शेयर अपने 52 वीक के हाई से काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन यहां पर KPIT के अंदर खरीदारी का एक बहुत सही मौका आपके पास बन रहा है। KPIT की बात करें तो यहां पर शेयर समय लगभग एक से दो टाइम यहां पर 460 रुपए के लेवल पर सस्टेन करते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते 460 रुपए का जो यहां पर इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो बहुत इंपोर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो यदि आप KPIT के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो अगर ये शेयर आपको 460 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में मिलता है तो यहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और इस शेयर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। KPIT टेक्नोलॉजी भी ये शेयर भी आपको नेक्स्ट टाटा एलेक्सी बनते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जहां पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 50% से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई मार्जिन इशू भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इस शेयर्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 5% का अपर सर्किट इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, पिछले 5 दिन में ये शेयर्स लगभग 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। इस तेजी के पीछे की वजह है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर स्प्लिट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी हर एक शेयर के बदले 10 शेयर स्प्लिट के रूप में देने जा रही है। स्प्लिट के अंदर अगर आप इलिजिबल होना चाहते हैं तो मंडे के दिन आपके पास आखिरी मौका है इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करने का। आप देख सकते हैं 22 जुलाई 2022 कंपनी ने अपने स्प्लिट की एक्स डेट अनाउंस करी है, यानी कि 11 जुलाई 2022 मंडे तक अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप यहां पर स्प्लिट के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को जान लेना चाहिए। जहां अगर हम स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के रेवेन्यू की बात करें तो 366 करोड़ रुपीस का कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% ज़्यादा है। वहीं अगर नेट इनकम की बात करें तो कंपनी ने 112 करोड़ रुपीस की नेट इनकम जनरेट करी है मार्च क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 286% ज़्यादा है। तो ओवरऑल स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हमें देखने को मिली है अर्निंग्स के कंपैरिजन में भी और साथ ही साथ लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप चैनल को ज्वाइन तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आपकी अगर कोई क्यूरी है, कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।